तो अभी हम नथुला बॉर्डर पर है, ये है नथुला पास, आप देख रहे हो, एंड दिस इज़ नोन एज इंडो चाइना बॉर्डर। और इसकी खासियत ये है कि इस साइड इंडिया है, उस साइड चाइना है, एंड बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, क्योंकि डिफेंस होता है दोनों का, तो सोशल मीडिया की वजह से दे डोंट अलाउ अस। तो ये बाहर का इतना व्यू हम देख पा रहे हैं और बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ आप इस तरफ देखिए, आप देख सकते हैं ये सारी रेंजेस है, ये सब अलग अलग, कुछ चाइना है, कुछ इंडिया है, कुछ भूटान है, ऐसा सब है। और अभी थोड़ा वेदर चेंज हो रखा है इधर, और बहुत अच्छा नज़ारा है। और एक चीज़ है कि हम इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हैं, क्योंकि वो लोग इतने, दिस इज़ 14,000 फीट, और वो लोग इतने हाइट पर रह के हमको सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमको गार्ड कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। एंड वी सल्यूट यू, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, एंड हमें उन्हें सच में धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम वी कैनॉट स्टे इवन, हम ऐसे ही चढ़ के जा रहे थे, हमें ऑक्सीजन की कमी लग रही थी ऊपर, तो ये लोग कैसे रहते हो गए ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कैसा हो रहा होगा। और अभी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ हो रखा है। सो दिस इज सोमो लेक, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लोकल पब्लिक, दे स्पीक एज चांगू लेक, इट इज़, सो यू कैन सी दिस। ये इसकी खासियत ही है कि अभी यहाँ पे ठंडी है, तो ये ऐसा हमको दिख रहा है, मतलब लेक दिख पा रहा है, जैसे ही अभी बर्फ गिरेगी तो ये पूरा फ्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे आइस होती है और माइनस डिग्री में टेम्परेचर होता है, तो ये लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ दे कैन वॉक, इतना फ्रीज होता है ये लेक, तो ये तभी अच्छा लगता है देखने को, लेकिन तब शायद हम देख नहीं पाते बिकॉज बहुत सारे आइस स्नोफॉल होती है, तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं। और यहाँ आसपास वेदर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो अभी थोड़ी ठंड हो रही है, जब ये फ्रीज होता है तब ये सारे जो पहाड़ आप देख रहे हो ये सारे आइस स्नोफॉल से ढका रहता है। सो दिस इज़ आवर होम स्टे, एंड सबसे पहले ये है ऑटोमेटिक लॉक है, वेरी सिक्योर्ड, एंड यू कैन सी नेक्स्ट। तो ये है हमारा मेन रूम, दैट इज़ कॉल्ड लिविंग रूम, दिस अपार्टमेंट इज़ 1.5 BHK, तो दिस इज़ द लिविंग रूम, एंड इट इज़ वेल डेकोरेटेड, यू कैन सी अ स्मॉल याच एंड फॉर सिटिंग sofa, and this is the kitchen, small and cozy one, you can see here there is the oven, toaster, coffee maker and the electric stove, and there is also a fridge they have given us, it's good, so we can take one view from here. This is the living room. Now, as we are heading ahead, this is the washroom. There are two washroom they have provided. Let's see. Enough space. Hi. And as we will go ahead, the apartment is straight away. सो यहाँ पे ऐसा है कि एकदम सीधा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रूम नहीं है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट रूम, आई मीन बेडरूम, और ये वन पर्सन कैन स्लिप हियर, कैन सी इट इज़ वेरी इजी कोजी, एंड देयर इज दे आर प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा मैट्रेस, बट हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी, the shurek, and now we're heading towards the second bedroom, which is the master bedroom, and I'm sorry for this as we were so tired, so we just went for dinner and things are messy over here,
So this is the second bathroom, and it is good. And I'll show you the washroom. So this is the washroom. It is quite bigger than the first one. As you can see, there's a lot of space over here, and the hot water as well as the cold water both are available. There is a shower also up there, and it is beautifully decorated as well, simple and finished. And there is also heater provided. They have provided us heater, and it is totally keeping us. And this is the balcony. It is of course a small one, but it's good for. As this is night time, so I am not able to show you that what exactly here it is, but as here the things are under construction, I guess, and these are the total homestays, because this area is under homestays, so this is known as development area where we are staying. The hotel name is House of Meesu, and it is in the development area in Bodhi marg, Gangtok, Sikkim. And the nearby area, it is surrounded by beautiful landscape, and there are so many other homestays also you can find over here, and it is totally worth watching view from here, from the hotel as well, and from and as we walk in, like if you want to go for a morning walk or an evening walk, then here there are many places from where you can go, from this homestay you can go. So it is totally amazing. And the MG Marg, which is very famous for shopping, it is near, like a 10 minutes walk from the homestay. So House of Meesu is totally a good place to stay, and I think whenever you guys visit Gangtok, you must come here. Do you have any reviews for this homestay? Reviews? Yeah. Do you want to say something? No. He's also running. He's also running a channel. Yeah, of course I'm. And now he's gonna promote it. Shut up. Okay, so this was the apartment, and this is the final look, and it is beautiful. It's good. Yeah. People must visit. Yeah, the host. He's amazing. He doesn't stay here, as he and he doesn't stay here. His name is Mirak. He doesn't stay here, but the Nisha, she's amazing, and she is helping us whenever we need anything, and she's so good. And first thing, that there is a complimentary breakfast. They are giving complimentary breakfast in the morning, and that is so good. And they are so good and welcoming you. So yep, you must visit here. Mm-hmm.